हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मंगलवार है, बालाजी का वार है और सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए बजरंग बली हनुमान कीजिए। और सावन का पवित्र महीना है यानी शिव का महीना है। ऐसे में शिव के एकादश अवतार यानी कि रुद्र अवतार को मनाने का दिन है। दोस्तों, सावन सोमवार जितना भगवान शिव को प्रिय था, उतना ही सावन का मंगलवार माता पार्वती को प्रिय है। इसलिए सावन का मंगलवार और भी ज़्यादा मंगलकारी होने जा रहा है। वैसे तो सावन के हर मंगलवार को पति पत्नी को साथ मिलकर भोलेनाथ और देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आनंद बना रहता है, उनकी सभी मुरादें पूरी होती है। मंगलवार को देवी पार्वती का ध्यान करते हुए सुहागन स्त्रियों को सुहाग सामग्री भेंट करनी चाहिए। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में प्रेम और सहयोग बढ़ता है। सुहाग पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। नौकरी हो, व्यवसाय हो, इसमें लाभ बढ़ता है, उन्नति होती रहती है। सावन के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखने का भी विधान आता है और स्त्रियां माता पार्वती की पूजा अर्चना करती है। इससे माँ का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है, जीवन के सभी समस्याओं का अंत होता है। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर 16 इलायची अर्पित करनी चाहिए। मंगला गौरी के अवसर पर भगवान शिव की पूजा इलायची से करने पर विवाह के प्रबल योग बनते हैं। साथ ही साथ मनुष्य को आर्थिक परेशानियों से निकलने का भी उपाय प्राप्त होता है। मंगलवार का दिन है और वैदिक ग्रंथों में मंगल का दिन सबसे शुभ और कल्याणकारी माना गया है। इस दिन भक्तराज संकट मोचन हनुमान जी अपने भक्तों की सुध लेते हैं। और सावन का महीना है तो हनुमान जी की पूजा करने वाले को एक साथ भगवान शिव और हनुमान का साथ मिलने वाला है। एकादश रुद्र अवतार हैं और एकादश रुद्र अवतार का चरित्र भी संयम, शौर्य, पराक्रम, बुद्धि, बल, पवित्रता, संकल्प शक्तियों के बूते जीवन को कष्ट, बाधाओं और संकटों से दूर रखने की प्रेरणा देता है। शिव का अवतार है हनुमान जी और सत्य ये है कि भगवान राम ही शिव के हनुमान अवतार का कारण बने थे। रामायण में बताया गया कि एक बार जब भगवान शिव की इच्छा हुई पृथ्वी लोक पर चलकर भगवान श्री राम के दर्शन करें, जब वो 5 वर्ष के थे तो असली रूप में नहीं जा सकते थे। ऐसे में एक दिन शिव जी ने माता पार्वती से कहा, जानती हो पार्वती, मेरे राम ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, उनके दर्शन की इच्छा हो रही है, अब मैं यहाँ से चला जाऊँ और जिस लोक में राम है वहीं रहूँ। यह सुनकर पार्वती माता विचलित हो गई और दुखी होकर बोली, हे स्वामी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आप मुझे यहाँ छोड़कर पृथ्वी लोक पर रहने जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा, स्वामी, यदि आप जाते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात सुन लीजिए, मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूँगी। पार्वती माता की बात सुनकर शिव को एहसास हुआ कि पार्वती उनके बिना नहीं रह सकती है और अगर मैं यहाँ से गया तो निश्चित रूप ही वो अपने प्राणों की बलि दे देंगी। ऐसे में भोलेनाथ भी एक चक्रव्यूह में, मोह के चक्रव्यूह में फंस गए। एक तरफ माता पार्वती के पास रहना था, दूसरे रामलोक के में भी जाना था। अब ऐसे में भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों का पूरा राज माता पार्वती को बताया और बोले, देखो पार्वती, इन 11 रुद्रों में से एक रूप वानर का अवतार आज मैं लेने वाला हूँ। एक रुद्राक्ष में से आज एक रूप वानर का होगा जो बाद में हनुमान के रूप में जाना जाएगा। शिव जी राम जी के पूरे जीवन काल को देख रहे थे। वह जानते थे कि एक बार श्री राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता होगी और कलयुग में ना मैं नजर आऊंगा ना ही राम, तब कोई अवतार धरती पर नहीं होगा। इसलिए शिव ने अपने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में भी अजर अमर रहा और पृथ्वी लोक के लोगों के दुख दर्द को दूर किया करेगा। इसलिए आज भी लोग हनुमान जी के दर्शन साक्षात कर लेते हैं और इस बार इसके तो कई सबूत भी मिल चुके हैं। अक्सर समय समय पर आप सभी को बताती रहती हूँ और हनुमान जी आज भी मौजूद हैं और इस कलयुगी देवता को जो भी श्रावण माह में सच्चे दिल से मनाता है या आड़े दिन भी सच्चे दिल से मनाता है, उसे सफलता हर ओर ज़रूर मिलती है। अगर आपके नहीं कामयाबी हासिल नहीं हो पाती तो आपको मंगलवार के दिन कुछ उपाय करने चाहिए। कोई संकट पड़ गया हो, हल नहीं नजर आ रहा हो तो संकट मोचन की शरण में जाना चाहिए। मंगलवार के दिन आप दुख में ही नहीं सुख में भी कुछ कार्य और पूजन जरूर करें, इससे भी आपके आसपास का खतरा टलता रहता है। कई बार भाग्य में अगर संकट लिखा है तो वो होता है, लेकिन जो उपाय आप करते हैं उससे उनका रूप बदल जाता है और बड़ा संकट छोटे संकट के रूप में सामने आता है।
हम भगवान को ब्लेम करते, भगवान आप कुछ नहीं करते, लेकिन हम जान नहीं पाते कि वो बहुत बड़ा संकट था, उसे भगवान ने छोटे रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। दोस्तों आज मैं बताऊंगी आपको एक छोटा सा उपाय जिससे बंद किस्मत का ताला भी खुलता है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हनुमान जी प्रसन्न होकर के चौतरफा संकटों से अगर आप घिर चुके हैं तो आपकी नैया को खींचकर बाहर ले आते हैं। एक छोटा सा हनुमान जी का मंत्र है, शिव मंदिर में जा करके आज आदि देव नमस्तुभ्यम सप्त सप्ते दिवाकर त्वम रवे तारे स्वास्मान स्मात संसार सागरात, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। नहीं बोल सके तो ओम हं हनुमते रुद्र आत्मकाय हूं फट, इस मंत्र का जप तो आज के दिन आपको करते ही रहना चाहिए। मंगलवार का दिन है और शाम के समय किसी भी हनुमान मंदिर में जा सकते हैं, सरसों के तेल का या शुद्ध घी का दिया जलाएं, सिंदूर का तेल चमेली सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके अर्पित करें जिसे हम चोला चढ़ाना कहते हैं, अपनी मनोकामना बोलें और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये अचूक उपाय होता है, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है, तो शाम को 5 बजे के बाद आप एक छोटा सा उपाय घर पर कर सकते हैं। हनुमान जी की एक फ़ोटो रख लीजिए, एक लाल रंग के आसन दे करके पाटिए पर विराजमान कर लीजिए, उत्तर की ओर हनुमान जी को विराजमान कीजिए और चमेली के तेल का एक दिया या तिल के तेल का एक दिया हनुमान जी के समक्ष जलाएं, नहीं है तो सरसों तेल या घी का भी जला सकते हैं। फिर चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके हनुमान जी की मूर्ति है तो उसे आप सारे शरीर पर लेप कर सकते हैं, फोटो है तो उनके अंगों पर तिलक कीजिए छोटा छोटा। ऐसा करने से जो मांगलिक दोष का प्रभाव होता है, विवाह आदि में अड़चने आती है, वो दूर होती है। इस दिन हनुमान जी को केवड़े का इत्र चढ़ाना चाहिए, गुलाब की माला हो तो चढ़ाएं, गुलाब के फूल चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगाएं, नारियल हो तो नारियल चढ़ाएं, ध्वजा लंगोट जो आपकी इच्छा हो वो चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी हो वो चढ़ाएं और पवित्र भावना से शांतिपूर्ण ढंग से फिर वहीं बैठ जाएं, हाथ जोड़ करके विनती करें, हे प्रभु मेरे कष्टों को दूर करो, हे भोलेनाथ, हे रुद्र अवतार हनुमान जी मेरे संकटों को दूर करो, इस प्रकार से बोलते हुए प्रार्थना करते हुए एक हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, कोई भी तरह की होनी अनहोनी होने वाली होती है उससे बचाव होता है। इसके बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी चाहिए, 2 कपूर और 2 लौंग से आरती करें, सुंदरकांड का पाठ अगर कर सकते हैं तो वो कीजिए। ऐसा करने से हनुमान जी अपने भक्तों को बल और शक्ति प्रदान करते हैं। आपको इस सब पूजा करने के बाद आपको एक माला राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने, इसका आपको करना चाहिए। इसके बाद जो गुड़ आपने भोग लगाया है उसको गाय को खिला देना चाहिए, जो भी मिठाई आपने भोग लगाई है या मीठा रोट बना के लगाया है, चूरमा है, गुड़ चना है, यह आपको गाय को थोड़ा ज़रूर खिलाना चाहिए। बाकी आप प्रसाद के तौर पे खुद भी लें, अपने परिवार वालों को भी बांटें, इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, भक्त की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। इस तरह से हनुमान जी के बहुत सारे उपाय होते हैं, बड़ का पत्ता होता है बरगद का या पीपल का पत्ता, इससे भी आज के दिन आप उपाय कर सकते हैं। मंगलवार को इनका पूजन, बड़ और पीपल का पूजन करना भी शुभ होता है और एक पत्ता गिरा हुआ लेकर के आ जाइए, साफ सुथरा हो, कटा फटा ना हो, इस पे राम राम लिख करके आप केसर से श्री राम लिख दीजिए या राम राम लिख दीजिए, इसके बाद वहीं बैठ करके एक हनुमान चालीसा करें और फिर इस पत्ते को अपने पॉकेट में रख लें। आप देखेंगे पर्स में भी रख लेंगे तो साल भर आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता नहीं मिलता है तो लाल रंग का कपड़ा रख सकते हैं, रूमाल टाइप का या छोटा लाल कपड़ा ले सकते हैं एक टुकड़ा, और इसी तरह से आप उस पर राम राम लिख करके उस पर हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, उसे भी अपने बचाव के लिए हमेशा अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दी नहीं जानकी माता, यानी अष्ट सिद्धि और नव निधियों के दाता हैं और पृथ्वी पर अपने भक्तों की हर समय रक्षा करते हैं। इनकी पूजा करने से संपत्ति का लाभ भी होता है। आज के दिन अगर कहीं पे भी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ से आप उनके, या फिर आप घर पे कर रहे हैं लॉकडाउन की वजह से पूजा, तो जो मैंने बताया कि सिंदूर और चमेली का तेल आप चढ़ाएंगे, उनके शरीर से उतारा गया सिंदूर लेकर के अपने घर या दुकान पर, अगर आपका काम धंधा नहीं चलता है, घर पे कलेश होता है, तो ये सिंदूर लेकर के अपने प्रवेश द्वार की जो द्वार है, उस दीवार है, उसके ऊपर आपको स्वस्तिक चिन्ह बनाना चाहिए या शुभ लाभ बना लीजिए, कोई भी आप ओम का चिन्ह लिख लीजिए, ये आपके घर में चमत्कारी काम करता है। कोई भी आप कीमती वस्तु जो है, कार है, तिजोरी है, इस पर लगा सकते हैं, आप देखेंगे इसके बहुत चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं।
अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो इस दिन काली उड़द और कोयले की एक पोटली बना लीजिए, उसमें 1 रुपया का सिक्का डाल दीजिए और फिर इस पोटली को अपने ऊपर से उसार करके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आप किसी हनुमान मंदिर में लेके जाइए, वहाँ बैठ करके इस पोटली पर हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए या घर में ही कर लीजिए और फिर इसे वार कर बहते जल में आपको बहा देना है या पीपल के नीचे रख देना है। राम नाम का जप करते जाइए, इससे शनि दोष का प्रभाव कम होगा। ओम नमः शिवाय का जप करिए कंटिन्यूअस, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हं हनुमते नमः, इस प्रकार से जप करते रहें। अगर आपके पैतृक संपत्ति है और उसको प्राप्त करने में आपको अड़चने आ रही है तो आज के दिन कमलगट्टे की माला की प्राण प्रतिष्ठा करवा करके लाल वस्त्र में बांध कर तिजोरी में रख लीजिए। आप अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते तो कहीं से अभिमंत्रित कमलगट्टे की माला अगर आपको प्राप्त होती है वहां से ला करके इसे अपनी तिजोरी में आपको बांध कर लाल कपड़े में रखना चाहिए। आज के दिन अपनी भुआ हो, बहन हो, जो भी आपके घर के लू स्त्रियां होती है जिनका आप मान सम्मान माता बहन की तरह पुत्री की तरह करते हैं, उन्हें आज के दिन लाल कपड़े और लाल मिठाई का डब्बा भी गिफ्ट करना चाहिए। आपको बता दूं अगर आपके घर में किसी को डिप्रेशन है या लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, कलेश होता है घर में, जो घर का मुखिया है उसके मन में शांति नहीं है, तो आज के दिन आपको लाल गुलाब के फूल या कोई भी लाल फूल ले लीजिए 5 और उसे किसी मिट्टी के पात्र में गेहूं के साथ रख कर घर की छत के जो पूर्वी कोना है यानी ईस्ट साइड है वहां पर ढक कर रख दीजिए और अगले मंगलवार तक उसको वहीं रहने दीजिए। अगले मंगलवार को जाइए, अगर वो सही सलामत है तो उसका जो गेहूं है वो पूरे छत पर फैला दीजिए और फूलों को अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन के बहुत सारे कलेश दूर होंगे, सारे तनाव दूर होंगे, शांति अपने आप में आपको महसूस होगी। आप अगर सच्चे दिल से बहुत सालों से हनुमान जी की पूजा करते आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग कहते हैं मैम हम हनुमान चालीसा करते सालों हो गए मुझे हनुमान जी की पूजा करते कोई बदलाव नहीं आया है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गलती कर रहे हैं, जाने अनजाने हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसका अशुभ प्रभाव हमारी जिंदगियों पर पड़ता रहता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम अपनी वाणी को अच्छा रखते हैं और फिर भी हम बहुत सारी समस्याओं से सालों से हनुमान जी की पूजा करने के बाद भी घिरे हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं मंगलवार के दिन आप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन अगर आप किसी से पैसे का लेन देन करते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से कहा जाता है आपकी योजना कभी भी सफल नहीं होती। सावन के मंगलवार को स्पेशली कभी भी किसी से लेन देन ना करें, शाम के समय किसी को उधार ना दें, इससे आप पर कर्ज चढ़ सकता है, धन हानि की आशंका हो सकती है, इस दिन लिया हुआ कर्ज चुकाना मुश्किल होता है और दिया हुआ धन का वापस मिलना भी कठिन होता है। सावन का मंगलवार है, खान पान का विशेष ध्यान रखना है, नमक का सेवन इस दिन भूल से भी नहीं करना है। नमक को शास्त्रों में अशुद्ध माना गया है, सेंधा नमक यूज़ कीजिए चलेगा, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करिए कि आज के दिन मीठा भोजन ही खाएं, मीठा ही प्रसाद बांटें। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जो मीठा आप खाते हैं वो आपको या फिर आप दान करते हैं वो मीठा आपको आज के दिन नहीं खाना है, और जो मीठा आप खाएंगे वो आपको आज के दिन दान नहीं करना है, क्योंकि मंगलवार को जिस चीज़ का दान किया जाता है उस दिन उसे स्वयं नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन, सात्विक भोजन करें, मांसाहारी है प्याज लहसुन आदि, नॉनवेज, ड्रिंक्स, ये सभी चीज़ों से, तामसिक प्रवृत्ति की चीज़ों से खुद को दूर रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, पति पत्नी आपस में संग ना करें, ये सभी चीज़ों को करने से क्या होता है, मंगल को उग्र ग्रह बताया गया है तो आपकी उग्रता में वृद्धि होगी, इससे फिर क्या होगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, कलेश होगा। जब क्रोध में वृद्धि होगी तो नकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ बढ़ेगी, इससे आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें, दान भी लाल ही करना चाहिए, लाल चीज़ों का, लाल मसूर का, लाल कपड़े का, जो भी। काले रंग के वस्त्र भूल से भी ना पहने, इससे शनि का प्रभाव बढ़ता है और शनि के साथ मंगल का संयोग बहुत ही अशुभ और कष्टकारी बताया गया है, इससे मानसिक और शारीरिक कष्ट में वृद्धि होती है, इसलिए इस प्रकार के वस्त्र ना पहने। जो स्त्रियां हैं उन्हें इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, इससे कहा जाता है कि संपन्नता घर से चली जाती है, माँ लक्ष्मी घर में नहीं टिकती है, इसी प्रकार नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल कटवाना, शेविंग करवाना, ये सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। कहते हैं कि मस्तिष्क पर सीधा सीधा प्रभाव होता है, बुद्धि की हानि होती है, धन की हानि होती है, और ऐसे कहा गया है कि मंगलवार को बाल कटवाने से आयु 8 महीने कम हो जाती है, तो ट्राई करें, अवॉइड कीजिए, इस दिन ना करें। धारदार सामान इस दिन नहीं लाना चाहिए, छुरी, कांटा, कैंची, ये चीज़ें नहीं खरीदें, रक्त और युद्ध का कारण मानी गई है ये चीज़ें और मंगल बढ़ता है इससे, धारदार चीज़ों की खरीदारी से परिवार में कलह बढ़ता है,
और इस दिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। क्या खरीदना चाहिए इस दिन? झाड़ू। झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना गया है इसी दिन। इस दिन किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाए अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, चाहे कोई बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई कोई गरीब हो, मांगने वाला हो, किन्नर हो, स्त्री हो, पति पत्नी हो, आपस में बच्चे हो, किसी का भी अपमान करना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे कहने से किस्मत फूट सकती है, जीवन में बाधाएं आती है। इस दिन अन्न का अनादर ना करें, अन्न को फेंके नहीं। जो लोग भी आज के दिन अन्न का अपमान करते हैं उन्हें जिंदगी भर अन्न के दाने के लिए तरसना पड़ता है। इस दिन अन्न का दान करें। सोना, केसर, कस्तूरी, गेहूं, लाल चंदन, लाल गुलाब, सिंदूर, शहद, लाल पुष्प, मसूर की दाल, लाल कनेर के फूल, लाल मिर्च, लाल पत्थर, लाल मूंगा, ये चीज़ों का दान आपको सावन के मंगलवार करना चाहिए। और ऐसा करने से भगवान आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस दिन कुछ ना कर सके गऊ को रोटी ज़रूर खिलाएं, गाय को रोटी पर गुड़ रख के खिलाएं। लाल गाय मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। और रसोई में आप जो भी भोजन बनाएंगे इस दिन गऊ माता के नाम की ज़रूर आपको उनको खिलानी चाहिए। इस दिन आपको सब्जी नहीं जलने देनी चाहिए, धीमी धीमी आँच पर आराम से सब्जी पकाएं, दूध नहीं गिरने दें, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं माना जाता। मंगलवार के दिन हवन नहीं करना चाहिए, निषेध बताया गया है। और पवन पुत्र हनुमान जी हर समस्या से आपको मुक्त करेंगे। इस प्रकार सावन का ये मंगलवार का दिन आप व्यतीत करें खूब सच्चे दिल से। ओम नमः शिवाय, ओम हंग हनुमते नमः, ओम रुद्र आत्मकाय हुम फट, इस प्रकार से बोलते हुए पूरा दिन व्यतीत करें बहुत ही सात्विकता से, प्रसन्नता के साथ। आप देखेंगे आपके जीवन के सभी भौतिक कष्ट दूर होंगे। और इस दिन आपका व्रत रखना श्रेयस्कर होता है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर सके तो कम से कम जो मैंने बताए सात्विक भोजन करें, हो सके तो नमक भी ना खाएं, और छोटे छोटे उपाय जो मैंने बताए हैं वो आप ज़रूर आजमाएं। मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को खुद भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है जीवन में भुगत रहे हैं, सावन का मंगलवार बहुत ही विशेष है, कुछ ना कर सकें तो शाम के समय उत्तरमुखी होकर के सिर्फ एक हनुमान चालीसा का पाठ, एक दीपक जला के कर लीजिए। और साथ ही साथ शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, शहद के साथ अभिषेक कीजिए, माँ पार्वती का ध्यान कीजिए, देखिए आपके जीवन की कठिनाइयाँ कैसे कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। बम भोलेनाथ की बोलिए, बजरंग बली की जय।